Good morning to all of you, respected principal sir, dedicated teachers, and to all my dear students. मैं यहाँ पे 2008 में सातवीं क्लास में मैंने एडमिशन लिया था प्रताप स्कूल में. तो उससे पहले मैंने अपनी सारी पढ़ाई जो क्वालिफिकेशन थी मेरी सिक्स क्लास तक की अपने गांव के स्कूल से ही की थी. वहाँ पे मतलब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, स्कूल मतलब गांव के स्कूल में भी हम अच्छा पढ़ पाते हैं. फिर हम यहाँ पे जब आए तो हमें लगा कि हम बाकी बच्चों से बहुत पीछे हैं. मतलब हमें जैसे मैथ्स वगैरह जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी तो मैं अपने दिमाग में ऐसा सोचती थी कि मुझे समझ नहीं आ रही मैथ्स, तो मैं पढ़ती भी नहीं थी. मतलब उसको सिर्फ रीड कर लेती थी, जैसे टेस्ट वगैरह होना होता था उससे पहले पेज को पलट पलट के जस्ट रीड करती थी. तो मैं मैथ्स में फेल हो गई थी सेवन्थ क्लास में. मेरे अब भी याद है कि मेरे 100 में से 28 मार्क्स आए थे मैथ्स में. तो मेरे पेरेंट्स को पता चला, उन्हें थोड़ा ये लगा कि गांव के स्कूल में तो बहुत अच्छा पढ़ती थी, यहाँ पे आके कैसा हो गया, मतलब अच्छा नहीं पढ़ाया होगा टीचर्स ने. तो ऐसा किसी को भी अपने दिमाग में नहीं सोचना चाहिए कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं. जैसे आप भी बहुत सारे बच्चे अपने घर पर बोल देते होंगे जब कम मार्क्स आते होंगे कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मेरे कम मार्क्स आ गए, या मेरे को समझ नहीं आता. वो सिर्फ एक एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं. हम सिर्फ अपने दिमाग में वो सोच लेते हैं कि हमें वो चीज़ समझ नहीं आई. फिर धीरे जैसे प्रिंसिपल सर अभी असेंबली में आप सबको भी मोटिवेट करते होंगे, ऐसे ही सर हमें बताया करते उस टाइम पे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए. उससे पहले मुझे पढ़ने का तरीका नहीं पता था जब तक मैं यहाँ स्कूल में आई. हमें यहाँ आने के बाद जैसे सर ने बताया कि मैथ्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, रोज का काम रोज पूरा करना चाहिए. और जैसे सर अभी आप लोगों को भी बोलते होंगे कि ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आप बहुत सारे बच्चों ने ट्यूशन वगैरह भी लगवाया होगा, घर पे बोल देते हैं कि क्लास में समझ नहीं आता या ऐसी सारी चीज़ें. तो मेरी लाइफ में बस मेन यही रहा है कि मैंने अपना रोज का काम रोज कंप्लीट किया और उन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया कि मतलब मैथ्स को लिख के प्रैक्टिस करना है, साइंस को कितना टाइम डिवोट करना है, कितने आवर्स मेरे को स्टडी करनी है. तो उन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और दूसरों पे अपनी चीज़ों को ना थोपें कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, हमें वहाँ जाना पड़ गया, ये काम पड़ गया, वो सब हमारे हाथ में होता है कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. हमारी लाइफ है, हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमें कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है. तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें. मैंने फिर अपनी 2014 में 12th क्लास पास की यहीं से प्रताप स्कूल से. तो हमें टीचर्स भी बीच बीच में मोटिवेट किया करते, जैसे हमें 11th 12th में ही गीता मैम थी, वो हमें बताया करती कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई की. तो जैसे मैंने 10th में सोचा था कि मैं मेडिकल लूंगी क्योंकि मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता था कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकती. तो फिर जैसे गीता मैम थी और भी कई सारे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई मैथ्स ले लो, फिजिक्स का और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो मैंने 11th में नॉन मेडिकल ली. फिर 11th में मेरे 100 मार्क्स भी आए मैथ्स में. फिर 12th क्लास की मैंने 12th में मेरा 94% एग्रीगेट रहा था. फिर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, वो सब मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया था. भाई मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है. तो अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुने, उनको फॉलो करें कि कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है. उनको ऐसे ना करें कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम पूरा नहीं कर रहे. उनको ध्यान से सुने और पूरा करें. फिर मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2017 में. फिर मैंने एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में. अभी जस्ट मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है. और साउथ कोरिया में मैं रिसर्च के लिए जा रही हूँ. जैसे साइंस वाले बच्चे ज्यादा समझ पाएंगे कि 11th में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री का. थोड़ा सा क्वांटम वर्ड सुना होगा सबने थोड़ा बहुत 11th में. हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका पढ़ते हैं कि क्वांटम होती है. तो फिर हम उसको ज्यादा डिटेल में बीएससी में और मास्टर्स में हमने पढ़ा. तो क्वांटम में फिर मैं एक कुछ थोड़ा रिसर्च करने के लिए साउथ कोरिया में जाऊंगी. तो मैं आप सभी को सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में एक्सक्यूज ना रखें कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मुझे शादी में जाना पड़ गया, मुझे घर में ये काम पड़ गया. वो सारी चीजें हर किसी की लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी रही है, आपकी लाइफ में भी वो हमेशा चलती रहेंगी. उन चीजों को उनके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मेन काम क्या है, कि मेन काम पढ़ना है. एक बार हम पढ़ लेंगे, लाइफ में कुछ कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो सबको अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा. तो एक्सक्यूज ना दे किसी को और अपनी लाइफ को एक सही दिशा में आगे बढ़े, उस दिशा में कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. अपना
टाइम फिक्स करें कि इतने घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं इस चीज में कमजोर हूँ, उसको अच्छे से करें। जैसे मुझे हमेशा मैथ्स से डर लगता था, तो मैंने मैथ्स को ज्यादा टाइम देना शुरू किया कि एक एक दो दो घंटे, तीन तीन चार चार घंटे उसको पढ़ना शुरू किया, मुझे मैथ्स अच्छा लगने लगा। तो आप सभी को जो चीज वीक लगती है उसको अच्छा और बनाने का प्रयास करें, वो तभी अच्छी होगी जब हम उसको ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे। तो अपना टाइम दें उस सब्जेक्ट को जो आप जिसमें आप वीक महसूस करते हैं, और टीचर से समझें और टाइम डिवोट करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच।